क्या भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज़ और चेहरा देखने से शर्माते हैं, तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स लेके आया हूँ, कुछ आइडियाज़ लेके आया हूँ जहाँ आपको अपने चेहरा देखने नहीं पड़ेगा और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि बिना आवाज़ के यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, क्या है वो आइडियाज़, और उन चैनल्स की सैंपल्स दिखाऊंगा जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है और अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सभी को, मैं आज आपका स्वागत करता हूँ बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल में। अब हम देखते हैं कि आप यूट्यूब पर एक चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास अच्छा आवाज़ नहीं है, या आप बोल नहीं सकते, या आपके पास अच्छा रिसोर्स नहीं है, या आपके पास अच्छी माइक नहीं है, तो आवाज़ को साफ करना पड़ता है और ऑडियो एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो हम इतना सब नहीं कर सकते। हम ऐसे चैनल आइडियाज चाहते हैं जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड किए बिना और चेहरा दिखाए बिना हम चैनल बना सकें और उसमें कुछ कंटेंट अपलोड कर सकें। पहला आइडिया जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, बेसिक आइडिया नहीं है, ये एक तरीका है जिससे आप एक नॉर्मल वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप अपनी आवाज़ नहीं रखते लेकिन आप कंप्यूटर जनरेटेड आवाज़ रख सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड आवाज़ क्या है? कंप्यूटर आपके लिए वॉइस जनरेट कर देगा। अब कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि वीडियो में क्या बोलना है? इसीलिए आपको एक नॉर्मल वीडियो बनाना होगा और उसको उसकी हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिखना होगा जिसके लिए आप वॉइस जनरेट करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा टूल के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप एक अच्छी वॉइस जनरेट कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए अब वो टूल देखते हैं। इस टूल का नाम है एनीमेकर। तो गाइस, यह है इसका डैशबोर्ड और मैं यहाँ लॉगिन हुआ हूँ। इसका पेड वर्जन भी है लेकिन आप फ्री वर्जन में भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो यह है हमारा डैशबोर्ड और इसकी URL भी देख लीजिए ताकि आपको वेबसाइट सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करे। यहाँ पर आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना होगा। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ बहुत अच्छा बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ एनिमेटेड वीडियो भी बना सकते हैं, पर जैसे मैं बताया था कि मैं वॉइस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, इसलिए आपको क्रिएट वॉइस पर क्लिक करना होगा जो मैं आपको जूम इन करके दिखाया है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक विंडो खुलेगा जहाँ आपको बताना होगा कि आपको किस चीज़ के लिए वीडियो वॉइस रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मेल वॉइस चाहिए या फीमेल वॉइस। मैं यहाँ पर फीमेल वॉइस सेलेक्ट किया हूँ और आप यहाँ पर लैंग्वेज या एक्सेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडियन इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपके सामने एक अलग अलग वॉइस शो हो रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक वॉइस आदिति है लेकिन अगर आप इसके प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो आपको 3-4 अलग अलग टाइप्स के वॉइसेस मिलेंगे। तो मैं आपको दोनों सैंपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जो भी आप लिखना चाहते हैं। अगर आप स्पेसेस देते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक पॉज आएगा। मैं लिख रहा हूँ, मैं हेलो आई एम अजय, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक छोटा सा और सिंपल सा सेंटेंस। तो आप इससे आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, इसको ध्यान से सुनिए, सुनाई देता है। इस तरह से एक आवाज़ तैयार होती है। अगर आप चाहें तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, हेलो आज हम एक नया टॉपिक के बारे में सीखेंगे, ये मैं टाइप कर रहा हूँ। अब हम इसे प्रीव्यू करेंगे। इसी तरह से आप कर सकते हैं और ये सब भी नहीं, आप इसकी तार भी या फिर इसकी गति भी बदल सकते हैं। अगर आपको इसकी गति नॉर्मल लगती है तो आप इसकी गति को धीमा भी कर सकते हैं या फिर तेज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो तेज़ है इसको कैसे किया जाता है। आप इसकी तार भी सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी तार कम होनी चाहिए। आप अपने अनुसार वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं। मैं इससे फिर से प्रीव्यू कर रहा हूँ, हेलो आज हम एक नया टॉपिक के बारे में सीखेंगे, ये आपको सुनाई देगा। तो ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, आप इसे स्लो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसे डाउनलोड करना होगा।
जब मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तब मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होकर MP3 फॉर्मेट में डाउन हो जाती है। आप इस तरह से किसी बड़े पैराग्राफ को भी लिख सकते हैं। आप मैं इसी फिर से चलाऊँगा तो डाउनलोड हो गई है और आप इसे अपने वीडियोस में डालकर उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स आइडियाज़ हैं जहाँ लोग कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा जहाँ पंक्चुएशन सिखाए जाते हैं, कैसे आवाज़ को प्रोनाउंस करना है, वहाँ लोग कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक ऐसा आइडिया दिखाऊंगा, तुम इस चैनल को देख सकते हो, जूलियन मिक्योर। इस चैनल के पास 300K सब्सक्राइबर है और लगभग 148 मिलियन व्यूज़ है इस चैनल पर। उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, अगर आप यहाँ देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें वीडियोस में कंप्यूटर वॉइस को उपयोग किया है। इस चैनल को खुद एक्सप्लोर करें, आपको यहाँ सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस दिखेंगे। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं। अगर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हो तो आप ये टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। इस टूल का नाम एनीमेकर है, इसका नाम ज़रूर सेव करें। इसमें बहुत अच्छे टूल्स हैं जो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा पहला आइडिया जिसमें आप वीडियोज़ बना सकते हो बिना चेहरा दिखाए और YouTube पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप भी आवाज़ और चेहरे के बिना वीडियो बनाना चाहते हैं तो दूसरा सुझाव है डाटा वीडियोस। अगर आप भी किसी भी डाटा, स्टैटिस्टिक्स या जानकारी को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे चैनल की सलाह दूंगा जिसमें आप बिना आवाज़ और चेहरे के बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं। चलिए उस चैनल को देखते हैं जिससे आप मेरी बात को बेहतर से समझ पाएंगे। ये है डाटा इज़ ब्यूटीफुल चैनल जिसमें 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। इसके पास 231 मिलियन व्यूज़ हैं जो बहुत अच्छा है। उनके टॉप वीडियोस की व्यूज़ है 21 मिलियन, 1.8 मिलियन, 16 मिलियन, 4.6 मिलियन। अब हम कंटेंट देखेंगे। टाइटल से आप कंटेंट को जान सकते हैं। सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज़, सबसे पॉपुलर मूवीज़, बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट, सबसे पॉपुलर म्यूजिक स्टाइल्स, सारे वीडियोज़ हैं इसमें। अब मैं एक वीडियो को ओपन करूँगा। अगर हम देखें तो 1969 से 2019 तक के सबसे अच्छे म्यूज़िक आर्टिस्ट के डाटा है यहाँ दिए गए हैं। जब आप इससे प्ले करेंगे डाटा समय के अनुसार बदलते रहेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम इन करूँगा तो ये डाटा इसे इस तरह से दिखते हैं और इस जिसमें कुछ भी नहीं है, बस एक कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको YouTube स्टूडियो के ऑडियो लाइब्रेरी को रिकमेंड करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डाटा दिखाया गया है और आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही मुश्किल है और हम कैसे इस वीडियो को बना सकते हैं। ये टूल जिसका इस्तेमाल किए गए हैं उसका नाम है फ्लोरिश। अगर आप फ्लोरिश टूल या फ्लोरिश डॉट स्टूडियो टाइप करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री लिखा है। आपको यहाँ बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आप डाटा को इस तरह से दिखा सकते हैं या ऐसे भी, या फिर पाई चार्ट में या फिर ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है और इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन आप यहाँ पर अपना डाटा मुफ्त में भी बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि डाटा कहाँ से ले। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप मेडिकल डाटा चाहते हैं तो आप WHO वेबसाइट से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तुम इंडियन गवर्नमेंट की साइट से डाटा ले सकते हो। उन्होंने सिर्फ यही टूल को उपयोग किया है और उनके पास बहुत सारे व्यूज़ हैं, लेकिन उन्होंने डाटा अपने डाटा पाने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हें ये डाटा यहाँ पर डालना है। साथ में अगला आइडिया जो मैं आपको सुझाना चाहता हूँ वो है सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स का। किसी भी सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल को, चाहे वो IT फील्ड से रिलेटेड हो या फिर जिस आमतौर पर यूज़ किया जाता है जैसे ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, आप उसके ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत है। अगर आप फ़ोन में करना चाहते हैं तो सारे नए फ़ोन्स में स्क्रीन रिकॉर्डर होता ही है, वरना आप अपने स्टोर या ऐप स्टोर में बहुत सारे टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जोस्टक के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो मैं आपको OBS की सलाह दूंगा। अभी मैं भी अपनी स्क्रीन को OBS पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसीलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब सवाल ये है कि कौन से टाइप के ट्यूटर्स दिखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं कैनवा टूल का। अगर मैं आपको कैनवा का ट्यूटोरियल देना चाहूँ तो अभी मैं बोल रहा हूँ और आपको सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आप अपने वीडियो के टाइटल या थंबनेल में क्लियर लिख सकते हैं मैं आपको कैनवा पर यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं इसकी जानकारी दूंगा। ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसे टाइटल और थंबनेल को साफ साफ देख रखें तो अगर आपका ऑडियंस को साफ साफ पता चलेगा चलता है कि इस वीडियो में हम थंबनेल बनाना सीखेंगे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव डिज़ाइन पर क्लिक करें, फिर आपको जो भी चाहिए वो चुन सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर YouTube थंबनेल टाइप करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ बोल कर बताएं, आप एक्शन से भी कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल दे सकते हैं। तो चौथा सॉफ्टवेयर जो आपको बताऊंगा वो है कुकिंग के लिए। अगर आपको उसका वॉइस नहीं बताना है, आपको अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है, तो सबसे बेस्ट है कुकिंग का। तो हमारे पास एक कुकिंग का एक लाइक चैनल के लिए एक एग्जांपल भी है, वो है हेपास किचन। हेपास किचन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें वीडियो फेस और वॉइस का यूज़ किए बिना बनाए जाते हैं। इनके वीडियोस में कोई वॉइस और फेस नहीं है, वो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं जो उन्होंने यूज़ किए हैं। इसके अलावा वो मिक्स वेल एडजस्टेबल कंसिस्टेंसी जैसे इंस्ट्रक्शन भी दिखा रहे हैं। हमें सब कुछ स्क्रीन पर मिल रहा है, इसीलिए ये एक अच्छा एग्जांपल है जिसे आप ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इसके पास 6.4 मिलियन सब्सक्रिप्शन है और उनके व्यूज़ बिलियन में है, इसीलिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसे आप ज़रूर कंसिडर करना चाहिए और आप भी ऐसे कुकिंग वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप YouTube पर वीडियो बनाना चाहते हैं अपना चेहरा या आवाज़ के बिना, तो आपको वीडियो एडिटिंग का सहारा लेना होगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन और यूज़ किए जा रहे इंग्रेडिएंट्स को स्क्रीन पर दिखाना होगा। इसीलिए अगर आप अपने चेहरे को ना दिखाना चाहते हैं और अपनी आवाज़ ना देना चाहते हैं, तो खाना पकाना बहुत अच्छा तरीका है YouTube पर वीडियो बनाने का। अगला YouTube चैनल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा शॉर्ट्स का है। क्रिएट शॉर्ट्स में चैनल बनाओ और अपलोड कीजिए। शॉर्ट्स में आपको अपनी आवाज़ और चेहरा दिखाना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे शॉर्ट्स भी बना सकते हैं जिसमें आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उसका जवाब स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। तो सवाल टाइप किया जाता है और उसका जवाब आता है। अगर आप उसमें कुछ ट्रेंडिंग म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, आजकल जीके शॉर्ट्स बहुत पॉपुलर है, तो आप ऐसे शॉर्ट्स बना सकते हैं जिसमें आपको अपनी आवाज़ और चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। और शॉर्ट्स में जीके एड्रेस है और आप एजुकेशन शॉर्ट्स भी बना सकते हैं जिसमें आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं, वो लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फिर से आपको एडिटिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बहुत सारे एडिटिंग टूल्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप बहुत अच्छा शॉर्ट्स बना सकते हैं, और उसमें आपको सिर्फ म्यूज़िक ऐड करना होगा या फिर कोई ट्रेंडिंग म्यूज़िक भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो आजकल शॉर्ट्स फंड भी है जिसकी मदद से बहुत सारे क्रिएटर्स लाइक अर्निंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। और इस वीडियो में मैं आपसे टफ 5 वेज डिस्कस किए हैं जिससे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं बिना अपना चेहरा दिखाए और फिर बिना अपना वॉइस रिकॉर्ड किए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला या फिर किसी आइडिया से आप अपना आपको बहुत पसंद आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियोस को लाइक भी करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो गाइस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।